सो हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी ईमो पर क्लार्टून कैसे सेट कर सकते हो। सेट करने टाइम जो प्रॉब्लम देते हैं ना, उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। बस एक डेढ़ घंटे में अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप अपनी ईमो एप्लीकेशन पर अपने पसंद के हिसाब से क्लार्टून सेट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या देता है वो भी मैं दिखाऊंगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो चुटकी में वो भी मैं दिखा दूंगा। एक डेढ़ घंटे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। कुछ काम करना होगा छोटा मोटा, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। आप अपनी ईमो पर क्लार्टून सेट करना चाहते हो, वो भी हिंदी सॉन्ग या कोई भी प्रोफेशनल सॉन्ग सेट करना चाहते हो ना, बट ये प्रॉब्लम दे देता है। मतलब ईमो इंस्टॉल करने के बाद और यहाँ पर क्लार्टून सेट करने के लिए जाओ, यहाँ पर कोई क्लार्टून का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो देखिए, प्रूफ के लिए मैं दो एप्लीकेशन आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ईमो और ईमो बेटा एप्लीकेशन, ये दोनों एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करके चेक करके रखा है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है ईमो पर क्लार्टून नहीं है और हो सकता है ईमो बेटा पर क्लार्टून का जो सेट का ऑप्शन है वो भी है। तो इसलिए मैं दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, बट दोनों एप्लीकेशन में आपको क्लार्टून सेट करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो उसको मैं परफेक्ट तरीके से दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले छोटा मोटा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके रख लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं 4-5 महीने पहले और एक वीडियो बनाया था, बहुत लोगों का हेल्प हुआ है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया ईमो के बारे में, चाहे तो आप देख सकते हो, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ईमो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद ईमो सेट करने के लिए यहाँ पर एक प्लस के आइकन पर टच करना है। करने के बाद यहाँ पर मोर पर अप टच करना है। करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर टच करना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर टच करना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कॉल्स, मतलब ओनली कॉल्स का ऑप्शन आता है, बट जो क्लार्टून का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा आता है कि ईमो क्लार्टून्स, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है, वो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप जब आओगे ना सेटिंग पर टच करके, ये प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद, तो यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट मैं ले लेता हूँ फटाफट। स्क्रीनशॉट हो गया है और यहाँ से आप बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके बाहर आ जाओ और आने के बाद फिर से यहाँ पर प्लस के आइकन पर टच कर दो। करने के बाद ना यहाँ पर मोर पर टच कर दो। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्प एस फीडबैक, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन, यहाँ पर आप टच कर देना है। करने के बाद ना और एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप एक छोटा मोटा मैचेस करना होगा, किस लैंग्वेज पे आप करना चाहते हो। आप हिंदी, मराठी, दूसरे अदर्स लैंग्वेज है वो करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर टच कर देना है। मैं क्योंकि इंग्लिश में मैचेस करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट पर टच कर देता हूँ। करने के बाद ना यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि किस कारण से आप फीडबैक देना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका साथ, यहाँ पर आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, अकाउंट ब्लॉक, अकाउंट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और यहाँ पर बहुत सारा हाउ टू अकाउंट डिलीट करना चाहते हो, ये सब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाउ टू, यहाँ पर एक देख सकते हो क्लार्टून का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप टच करना है। ठीक है, करने के बाद ना यहाँ पर ना यूजफुल पर यहाँ पर आप टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ से बाहर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर एक आपका प्रॉब्लम का जो एक फीडबैक दे दिया है, देने के बाद बाहर आ जाइए, थोड़ा बैक आ जाइए। और ये काम करने के बाद और एक छोटा मोटा आपको काम करना होगा, वो काम है कि यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो फीडबैक सेंटर। ठीक है, फीडबैक सेंटर पर आप टच करना होगा। करने के बाद यहाँ पर आप फीडबैक पर टच करो। करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो कॉल्स का। ठीक है, तो कॉल्स पर आप टच कर देना है। करने के बाद ना यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन शॉट लिया है ना, उसे आप सिलेक्ट करना होगा। प्लस के आइकन पर यहाँ पर आप टच करके अलाउ पर टच कर देना है। परमिशन देने के बाद
गैलरी पर चला जाओगे, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, फाइल पर टच कर दो। करने के बाद ना यहाँ पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर मिल जाएगा, उसको मैंने ले लिया। अदर्स कोई भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो फिर सेम फिर से वही प्लस के आइकन पर टच करके सेम इसी तरह ले सकते हो। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैचेस लिखना है, यहाँ पर एक मैंने मैचेस लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। बस आपको ये काम करना है, यहाँ पर एक छोटा मोटा एक मैंने मैचेस लिख दिया, इस मैचेस को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दिया और यहाँ पर मेरा जो ईमेल अकाउंट है, जो जीमेल है, यहाँ पर दे दिया। आप देना चाहते हो तो दे सकते हो और नहीं देना चाहते हो तो चलेगा, बट यहाँ पर वो ये मैचेस और स्क्रीनशॉट दे देना है और यहाँ पर सबमिट पर टच कर देना है, ठीक है। तो सबमिट पर टच करने के बाद क्या होगा, ईमो टीम के पास आपका जो मैचेस है वो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिट सक्सेसफुल। और ये काम करने के बाद एक से डेढ़ घंटा या एक दिन में, लास्ट एक दिन में आपका प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो कर देगा ईमो टीम। बस ये ट्रिक है और कोई तरीका नहीं है भाई, आप ये काम करके देख लो, अपना प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत रिचार्ज करने के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।